ये इनकी मान। चुप हो जाओ, रो मत। कमजोर समझेंगे लोग आपको, कमजोर समझेंगे लोग। कमजोर समझेंगे लोग मुझे कि बेटा होके मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। चुप हो जाओ। ये थोड़ा सा कठिन है, कितना भी ताकतवर व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन दुख सबके लिए होता है, इमोशन होते हैं वो सब चीजें। मेरे परिवार में आज तकलीफ हुई, मैंने बताया अध्यक्ष जी को कि भाई मेरे बड़ी बहन जो है उनके देवर जो 34 साल के थे, आज सुबह 3:30 उनकी डेथ हो गई। परिवार के लोग चाहते थे मैं जाऊं, मैं, मगर मेरे पास जिम्मेदारी है कि भाई अगर मैं ये समय छोड़ के उधर जाऊंगा तो अगले 5 साल जो होगा उसके लिए कहीं ना कहीं मैं भी अपने आप को दोषी मानूंगा, क्योंकि मैं जाके लोगों को तैयार कर सकता था कि भाई नहीं, अब छोड़ो कांग्रेस भाजपा को और LPSP को वोट दो। लेकिन ये ओम प्रकाश रैगर की मेरे छोटे भाई की बहन है, मेरी भी बहन है, मेरे आज भी याद है मेरी 2 बड़ी रैलियां थी और अचानक से मुझे एक सुसाइड नोट सोशल मीडिया मिला जिसमें लिखा था कि भाई चंद्रशेखर आके मेरा अंतिम संस्कार करें और मुझे न्याय दिलाएं। मैंने 4 दिन लड़ाई भी लड़ी, लेकिन यहाँ की सरकार इतनी निकम्मी है, इतनी निष्ठुर है, इतनी तानाशाही है कि उन्होंने धोखा देने के अलावा कुछ दिया नहीं। मैं तो अपने लोगों से कहूंगा बहुत जिम्मेदारी से कहूंगा, अगर आपने वोट की चोट नहीं की ना तो उनको लगेगा कि आप लोग गुलाम से ज्यादा कुछ हो नहीं। सच बता रहा हूं, उनको लगेगा इनका कितना ही शोषण कर लो, ये गुलाम है और गुलाम कभी अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ते। मैं तो बहुत जिम्मेदार से कहूंगा, जहां भी जिस क्षेत्र में भी, चाहे वो भाजपा का नेता हो या कांग्रेस का नेता हो, जिन्होंने भी गरीबों का शोषण किया उसको विधानसभा में जाने मत देना, चाहे कुछ भी हो जाए उसको विधानसभा में घुसने मत देना। और जो आपके बीच का व्यक्ति जो लड़ रहा है, जिसने आपकी एक दिन भी मदद की हो, उसकी मदद करना कि वो ताकतवर हो जाए, क्योंकि जब देखो राजनीतिक सत्ता बहुत ताकतवर चीज है। आप निर्दोष हो आपको जेल भेज देगी, आप दोषी हो आपको बचा देगी, आपकी जगह आपने अपराध किया आपको बचा किसी और को भेज दे, गरीब के बेटे को। बहुत समस्या है, बड़े पेपर लीक होते हैं यहां बसों में बैठ के।